देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,66,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,466 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 1,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, 2,66,000 के पार देश भर में ये संख्या पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 7,466 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,29,215 मरीज ठीक हुए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत, ये आंकड़े देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच तमाम जो उद्योग हैं वो भी खुल गए हैं, लोग घरों से बाहर भी आ रहे हैं। क्या नई एहतियात बरती जा रही हैं और किस प्रकार से जब ये पॉजिटिव मरीज अब निकल कर आ रहे हैं, इलाज में क्या नई टेक्निक या फिर जिस तरीके से इलाज हो रहा था वही जारी है? देखिए मनीषा, आज से लगभग पूरी तरीके से मार्केट को ओपन कर दिया गया, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई, यही जो मार्केट खुली है, लोग बाहर आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है। इसकी वजह से कम्युनिटी स्प्रेड जो है दिल्ली के कई हिस्सों में हो चुका है या महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नजर आया है। कम्युनिटी स्प्रेड को लेके आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल की बैठक के एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में किस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जाए, इसको लेके एनडीआरएफ से सलाह लेकर के सरकारें अपनी अपनी रणनीति तय कर रही है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको एडवाइजरी दी गई है कि समय समय पे जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनको क्लीन किया जाए, इस तरीके से चेयर टेबल और इस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको मेंटेन किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। एक 1.1 जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट बोला गया है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो अपने साथ हमेशा रखें, उससे क्लीनिंग करें और तमाम चीजों की जिनको वो यूज कर रहे हैं या जो लोग आते हैं उनके ऑफिस में जो वो यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में ये एडवाइजरी को फॉलो करना बेहद जरूरी है। अपने साथ में सैनिटाइजर हर समय रखना बेहद जरूरी है। तमाम जो एडवाइजरीज है ये मार्केट एरिया में जो मार्केट खोले गए हैं, मॉल खोले गए हैं, उनको भी ये एडवाइजरी दी गई है। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 7,466 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं देश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर।